नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। झारखंड गिरडी अखिल भारतीय धोबी महासंघ जिला कमेटी गिरडी के बैनर तले रविवार को ऑफिसर कॉलोनी स्थित अम्बेडकर भवन में कार्य समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष अवधेश बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान जिला इकाई का पुनर्गठन करते हुए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष नव नियुक्त किए गए। अध्यक्ष का चुनाव मतदान कर किया गया। इस दौरान सबसे अधिक मतदान लाने वाले पप्पू रजक को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं मनोज रजक को सचिव, प्रदीप कुमार रजक को कोषाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी मौजूद थे। मतदान के दौरान अरुण रजक ने 11, अशोक रजक ने 55 और पप्पू रजक ने सबसे अधिक 62 मत प्राप्त किए। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश रजक के कार्यों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें युवा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार दिया। वहीं संथाल परगना के प्रभारी विनोद रजक और जिला प्रभारी गणेश रजक को बनाया गया। बताया गया कि यह कार्यालय कार्यकाल 3 वर्षों तक मान रहेगा, उसके बाद फिर से चुनाव कराया जाएगा। इस दौरान सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें जो पदभार मिला है उनका वे बाखूबी निर्वहन करेंगे और समाज के उत्थान की दिशा में काम करेंगे। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पप्पू रजक ने कहा कि समाज को एक सूत्र में बांधकर लोगों के हर सुख दुख में साथ देंगे। मौके पर प्रदेश सचिव झलकू रजक, प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप रजक, जिला अध्यक्ष बोकारो सुखदेव रजक, जिला अध्यक्ष जामताड़ा विनोद बैठा, पूर्व सचिव दीपक रजक, प्रदीप रजक, ब्रह्मदेव रजक, सुजीत रजक, प्रदीप रजक, राजू रजक, राकेश कुमार आदि कई समाज से जुड़े लोग मौजूद थे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधुओं को अखिल भारतीय धोबी महासंघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारा गिरडी जिला कमेटी का अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष पप्पू रजक जी को अपने मत देकर आज की मुखिया चुने हैं। कोषा आपका सचिव मनोज रजक जी को चुने हैं। कोषाध्यक्ष आपका प्रदीप कुमार रजक जी को चुने हैं। आज इन लोगों को गिरडी जिला का प्रभार दिया गया है और जिला प्रभारी के रूप में हमारे गणेश रजक जी को नियुक्त किया गया है और संथाल परगना के प्रभारी विनोद रजक जी को हम लोग आज नियुक्त किए हैं। और आज इस सभा में देवघर जिला कमेटी भी विस्तार करते हुए उमेश रजक जी को हम लोग जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। आगे का जो हम लोग का कार्यक्रम है, 20 दिसंबर 2023 को हमारे महापुरुष संत गाड़ी का महापरिमाण दिवस है, उस दिन हम लोग क्रांति दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम हम लोग निर्धारित किए हैं। और उस कार्यक्रम में हमारे पूरे भारत के धोबी समाज के लोग झारखंड रांची में उपस्थित होंगे, साथ साथ भारत के साथ साथ कई कंट्री के लोग भी 20 दिसंबर को संगठन महापरिमाण दिवस के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। और मुझे जो समाज के द्वारा जो हमको जवाब नहीं दी जाएगी, मैं इसको इसका प्रबल उठाऊँगा और प्रयास करूँगा कि हर लोगों के दुख में हम शामिल हों और समाधान करें। और आज हमारे प्रदेश से आए हुए अवसर बेटा जी, उनके नेतृत्व में हम लोग को पत्रकारी बनाया गया, उनका अध्यक्ष सचिव और प्रशासन का नियुक्त किया गया है। और आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ गिरडी इकाई का कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें गिरडी जिले का चुनाव किया जाना था और चुनाव में हमारे 3 पद को लेना था, जिसमें से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का। और हम लोगों ने सभी ने हमारे समाज के लोगों ने मिलकर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का वोट के माध्यम से तीनों को चुना। और आज जो पूर्व में हमारे कार्यों को अच्छे तरीके से किया, उसकी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण कन्हैया जी के द्वारा मुझे युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं सभी हमारे जितने भी समाज के लोग आए हुए थे हमारे आज इस बैठक में, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।